हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं टैलेंट इंडिया सेल्फ लर्न। दोस्तों, वर्डप्रेस की इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और आज फिर से हम वर्डप्रेस में कुछ एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कमेंट। तो आज कमेंट सेक्शन के बारे में सब कुछ समझेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने टैलेंट इंडिया सेल्फ लर्न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल बटन पे क्लिक ज़रूर कर ले। इससे ये होगा कि जो भी वीडियो हमारी अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहेगा। तो चलिए हम अपना वर्डप्रेस के साइट को शुरू करते हैं और यहाँ पे डालते हैं अपना लॉगिन आईडी, एडमिन और पासवर्ड, देन करते हैं लॉगिन। तो आज मैं आपको ब्रीफली बताऊँगा कि किस तरीके से आप कमेंट का यूज़ करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो पहले ट्यूटोरियल में वो किया था पोस्ट, जिसमें मैंने ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज एंड टैग का यूज़ करना बताया था। उसके बाद मैं मीडिया के बारे में भी बता चुका हूँ, पेज कैसे क्रिएट करना है उसके भी बारे में बता चुका हूँ। तो इन वीडियो को यदि आपने मिस किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक फॉलो करके देख सकते हैं और आप मेरे प्रोफाइल पे जाके भी वहाँ से प्लेलिस्ट पे जाइए और ये सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो चलिए, अब कमेंट पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कमेंट सेक्शन है जहाँ पे कोई आपके साइट पे कमेंट करता है किसी पोस्ट पे, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमारे पास कोई किसी तरीके का कमेंट नहीं है। यदि मैं पोस्ट की बात करूँ तो मैं ऑल पोस्ट पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर। तो जब मैं ऑल पोस्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे पोस्ट्स हैं हमारी। तो यदि इन पोस्ट पे कोई कमेंट करता है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन अभी हमारे पास किसी तरीके का पोस्ट पे किसी भी तरीके का कोई कमेंट नहीं है। और बात रही यदि पेज का, मैं चेक करता हूँ तो हमने टोटल 4 पेज बनाए थे इसके अंदर, तो इन पे भी किसी तरीके का कोई कमेंट्स नहीं है। तो चलिए हम आज कमेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि किसी एक पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से नॉर्मली HTML का जो एक पोस्ट है उसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा पोस्ट है और ये जो आप टूल्स देख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ये दिखाई दे रहा है क्योंकि हम अभी अपने एडमिन से लॉगिन है, इसलिए हमारे पास ये कुछ मैनेजिंग टूल्स आ जाता है। आप इसे हटा भी सकते हैं चाहे तो। अभी फ़िलहाल मैं इसको दिखाऊँगा दूसरे ब्राउज़र पर भी। तो इस तरीके का आपके पास ब्राउज़र आएगा, तो आपको करना ये है कि मैं एक कमेंट डालता हूँ यहाँ पर कि दिस इज वर्डप्रेस ट्यूटोरियल इन हिंदी, ओके, एंड पोस्ट कमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पोस्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पोस्ट किया है। तो एक्चुअली हम एडमिन पोर्टल से लॉगिन है तो इसलिए हमें ये पोस्ट शो हो रहा है वहाँ पे। अभी इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने एडमिन से किया है, तो एडमिन के पास सारे राइट्स होते हैं। तो उसके बाद मैं सेम यही URL कॉपी करता हूँ यहाँ से, Ctrl+C, और दूसरे ब्राउज़र में इसको ओपन करता हूँ जहाँ से मैं इस पर लॉगिन नहीं हूँ। तो मैं Ctrl+V करता हूँ, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं कि सेम ब्राउज़र पे सेम पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पर मेन चीज़ जो आप यदि इस URL को फॉलो करते हैं तो इस URL से आपका साइट खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री का डोमेन और फ्री का होस्टिंग मिल जाता है। तो अभी आपका डोमेन भी वर्क कर रहा है, इसलिए आप किसी भी साइट पे से ओपन कर सकते हैं सेम URL से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कमेंट है एडमिन का जिसमें लिखा है कि दिस इज़ वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। तो आप यदि रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हैं, और रिप्लाई में लिख देता हूँ यस। ओके, एंड आपको यहाँ पे करना होगा अपना नेम और ईमेल आईडी अपडेट करना होगा, देन यदि वेबसाइट का नाम है तो कर सकते हैं, देन पोस्ट कमेंट। तो पोस्ट हमने कर दिया यहाँ पे। यदि किसी तरीके का आप इनविजुअल पोस्ट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दिस इज गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा, दिस इज़ गुड फॉर मी, अपना नेम और एम्प्लॉई IDs एंड देन पोस्ट कमेंट। बट आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपने 2 कमेंट पास किया है लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का कोई कमेंट शो नहीं हो रहा है। तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप जो लॉगिन है वो एडमिन से नहीं है। आप एक तरीके का कहें कि आप ट्रैफिक है जो कि यहाँ पर
इस साइट का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अभी ले चलता हूँ आपको एडमिन पोर्टल पे, जहाँ पे आपने किसी तरीके का कोई कमेंट किया तो यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं इसको करता हूँ सबसे पहले रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कमेंट में दो अलग से दिखाई दे रहा है आपको। तो मैं कमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो कमेंट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो कमेंट किया वो दिखाई दे रहा है हमें। जैसे कि यहाँ पर मृत्युंजय, जो कि यहाँ पे ईमेल आईडी है, दिस इज़ गुड फॉर मी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यस दिस इज़, और इस तरीके से आपके पास कुछ कमेंट आया है। यदि मैं पोस्ट की बात करूँ तो मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ऑल पोस्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे यदि किसी ने कमेंट किया है तो यहाँ पे भी मुझे कमेंट दिखाई देगा। तो मैं इस कमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं कमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मैं कमेंट वाले पोर्शन पर वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ पर एडमिन ने कमेंट किया था, तो मैं ये कमेंट बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूव है, इसे अनअप्रूव करना चाहें तो आप अनअप्रूव भी कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर टोटल जो है ऑल थ्री है, पेंडिंग टू है, अप्रूव वन है, और स्पैम में जीरो है, बिन में भी जीरो है। यदि आप ऑल की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑल कमेंट जो है वो थ्री है, वन टू एंड थ्री, और पेंडिंग की बात करें तो यहाँ पे दो पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने कमेंट किया है तो इसको पहले आपको अप्रूव या फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद अप्रूव की बात करें तो हमारे पास एक कमेंट अप्रूव है, क्योंकि एडमिन से ही हमने कमेंट किया था। तो चलिए सबसे पहले हम पेंडिंग वाले केस पे चलते हैं और यहाँ से इसको करते हैं अप्रूव या फिर रिजेक्ट। तो आपके ऊपर है कि आप इसको क्या करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अभी अप्रूव कर देता हूँ और इसको भी अप्रूव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने अप्रूव कर दिया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं पेंडिंग में अब जीरो है और अप्रूव अब हमारे पास थ्री हो चुका है, टोटल जो है थ्री है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो हम साइट पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा कमेंट शो हो रहा है। तो हमारे साइट के नीचे थ्री कमेंट्स है, जिसमें एडमिन लिखता है दिस इज़ वर्डप्रेस ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो उसमें जो रिप्लाई मिला है वो मिला है यस दिस इज़, एंड एक अलग से आप कमेंट दे सकते हैं दिस इज़ गुड फॉर मी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं सेम अपने दूसरे ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ, जो कि अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो सारे कमेंट्स शो हो रहे हैं। तो आप इनको रिप्लाई भी कर सकते हैं, रिप्लाई करना चाहें तो। तो इस तरीके से आप कमेंट को मैनेज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कमेंट का पोर्शन समझ में आ गया होगा आपको, और आज के लिए बस इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारे टैलेंट इंडिया सेल्फ लर्न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल बटन पर भी क्लिक कर ले। कल फिर मिलते हैं किसी अलग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।